हैं आप सब। सो दोस्तों, मोटापा हमारा बढ़ता है, हम उसको कंट्रोल करते हैं, कम करते हैं, लेकिन मोटापे को कम करने के साथ साथ हम अपनी कुछ चीजों को कम नहीं कर पाते। वो है हमारी चर्बी, यानी कि फैट जो एक्स्ट्रा बढ़ जाती है, जो कि हमें बेली फैट के तौर पे, हमें शोल्डर फैट और थाई फैट के रूप में दिखती है। थाई फैट और शोल्डर फैट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आप उसे कम नहीं कर पाते। आज मैं आपके साथ एक देसी घरेलू नुस्खा शेयर करने जा रही हूँ, जिसको इस्तेमाल करने से आप अपने थाई फैट को, बेली फैट को और शोल्डर फैट को कम कर सकते हैं आसान तरीके से। कुछ खाए बिना कुछ पिए आप अपने एक्स्ट्रा बेली फैट को कम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेमेडी। पसंद आती है वीडियो तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए उन तमाम लोगों को जिनको इसकी जरूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बनाने के लिए आपको लेना है 1.5 चम्मच के करीब नारियल का तेल, यानी कि कोकोनट ऑयल, और इसे आपको डबल बॉयलर में बॉयल कर लेना है। नारियल का तेल लेने के बाद आपको इसमें ऐड करना है विक्स वेपोरब। हाफ स्पून के लगभग आपको विक्स वेपोरब ऐड करना है। अच्छे से मिक्स कर देना है। नारियल का तेल मसाजिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे एक्स्ट्रा फैट को कम करने के लिए अच्छा होता है, और जब इसमें विक्स वेपोरब आप मिक्स करके अप्लाई करते हैं, मसाजिंग करते हैं, तो ये और ज्यादा दुगना फायदा आपको देने लगता है। विक्स वेपोरब आप जहां पे भी अप्लाई करते हैं वहां पे पसीना हो जाता है, जिस वजह से वहां की जो चर्बी है वो बहुत जल्दी तेजी से गलने लगती है। आपको इसे अप्लाई कैसे करना है ये देख लीजिए। आपको इसे अप्लाई करना है उन एरियाज में जहां की चर्बी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और बिल्कुल आप कम नहीं कर पा रहे हैं। आपको उन चर्बी की वजह से उठने में, बैठने में, कपड़े पहनने में, आपकी पसंदीदा आउटफिट से आप नहीं पहन पा रहे हैं चर्बी बढ़ने की वजह से, तो इस तरीके से आप अपनी चर्बी को गला सकते हैं, कम कर सकते हैं एंड अपने पसंदीदा आउटफिट पहन सकते हैं। शोल्डर का जो ये वाला हिस्सा होता है, यहाँ की जो चर्बी होती है वो फैट बढ़ता है, और बहुत सारे लोगों का फैट कुछ एक्स्ट्रा होता है जो कि काफी ज्यादा नीचे तक होता है, और ये फैट बढ़ते बढ़ते आपके आर्म्स इधर इस साइड में भी आ जाता है, यानी कि यहाँ से बढ़ते बढ़ते ये आगे तक आ जाता है। जो कि देखने में काफी ज्यादा बेहद ही खराब लगता है और खुद को एम्बैरेसमेंट फील होती है दूसरों के सामने अगर हमारा एक्स्ट्रा फैट हमें, मतलब दूसरों को दिखता है। आपको इसे कैसे अप्लाई करना है, आपको जिस तरीके से अब मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि आप को यहाँ पे इसे अप्लाई करना है इस जगह पे, तो जहां पे आपको फैट की प्रॉब्लम है, जहां आपकी एक्स्ट्रा चर्बी निकल आई है, बढ़ आई है, में ले लीजिए इस तरीके से, और फैट वाली जगह पे आपको इस तरीके से अप्लाई करना है, इसको लगा करके और अच्छे से 15 से 20 मिनट तक अच्छे से आपको मसाज करना है इसकी, और ये बहुत ही जल्दी से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब भी हो जाता है। नारियल का तेल बहुत ज्यादा लाइट वेटेड होता है एंड इस तरीके से, और फिर से आपको इस जगह पे मसाज करना है। इस तरीके से मसाज करने के बाद आपको क्या करना है, आपको कोई थिन ट्रांसपेरेंट रैप आता है, मतलब व्हाइट कलर में ट्रांसपेरेंट होता है, आप उसको अपने चारों तरफ, मतलब जहां पे आपने मसाज किया वहां पे इसको लपेट सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके बॉडी के अंदर गर्मी ज्यादा तेजी से होगी, पसीना ज्यादा होगा और आपका जो फैट है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। पर अब जो है वो आपकी उन जगहों को बहुत तेजी से हील करने लगता है, हील करने लगता है, और साथ ही साथ तेजी से एक्स्ट्रा पसीने वहां पे रिड्यूस करने लगता है, जिससे कि आपका फैट घटने लगता है, गलने लगता है। और ये तरीका है कि आप मसाजिंग के द्वारा अपने एक्स्ट्रा फैट को, चर्बी को घटा सकते हैं। आप अपने पेट की चर्बी को, बेली फैट को घटा सकते हैं, जिसकी सबसे ज्यादा लोगों को परेशानी इसी चीज की रहती है कि पेट की चर्बी बढ़ जाती है, जो कि आउटफिट्स में कुछ ज्यादा ही उभर के नजर आती है और खराब लगती है। अब अपने शोल्डर्स में जो चर्बी होती है उसको घटा सकते हैं,
थाई जो यहाँ पे फैट बढ़ जाता है उसको भी कम कर सकते हैं। थाई फैट में इतनी प्रॉब्लम होती है कि लोगों को चलने में प्रॉब्लम होती है, गर्मियों में खासतौर पे थाई फैट में जब फैट बढ़ जाता है तो हम चलते हैं तो हमारा जो पैर होता है उसमें स्पेस बहुत ही कम होता है और पैर बिल्कुल ऐसे चिपके हुए होते हैं तो हमें चलने में भी प्रॉब्लम होती है। सो इस तरीके से अपने थाई फैट को, अपने शोल्डर फैट को, अपने स्टमक के, अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं। देखा दोस्तों कितना इजी और आसान तरीका है अपने बेली फैट को कम करने का। बेली फैट यानी कि जो हमारी चर्बी होती है वो सबसे ज्यादा रिड्यूस होती है आपके वर्कआउट से, आपके पसीने से। जितना ज्यादा बॉडी के अंदर पसीने निकलते हैं उतनी ही तेजी से चर्बी घटती है। सो पसीना निकालने के लिए मेहनत वाला काम भी कीजिए और साथ ही साथ मसाजिंग कीजिए इस तरीके से, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका पसीना आपकी बॉडी से निकले और चर्बी आपकी हट जाए, रिमूव हो जाए एंड आप अपने पसंदीदा आउटफिट्स जो कि आप नहीं पहन पाते अपनी चर्बी की वजह से उसे पहन सके। सो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक और न्यू हेल्दी ब्यूटी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, हैव अ गुड डे, बाय बाय।